वीडियो में बताऊंगा कि जोड़े वाले कबूतर की पहचान करने का असल तरीका क्या है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये जोड़ा वाला कबूतर है, उसकी कुछ पहचान होती है जिसे आप शायद आज मैं बता दूंगा तो आज के बाद मिस्टेक नहीं खाइएगा कि ये। तो असल तरीका ये पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो होता ये है कि जब हमारे नए कबूतरबाज भाई कबूतर पालने का शौक रखते हैं, लेकिन उन्हें जोड़े वाले कबूतर जब लेकर आते हैं तो काफ़ी टाइम लगा जाता है उन्हें उनके छत पे ब्रीड करने में। तो ऐसा क्यों होता है, किन वजह से वो पहचान नहीं पाते हैं? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कभी भी ऐसा धोखा नहीं खाएंगे कि आपने अगर जोड़ा वाला कबूतर लाया तो जोड़ा वाला ही होगा। बहुत ही आसान ट्रिक है पहचानने का। तो जब भी आप नए कबूतर लाएं तो इस तरह से जरूर चेक करें जैसे मैं बताता हूँ आपको। चलिए तो ये ट्रिक आप देखिए। तो व्यूअर्स देखिए, पहचानने का जो जोड़ा वाला कबूतर होता है जिसने कभी बच्चे पाला है या नहीं पाला है, अगर आप ब्रीड के लिए कोई कबूतर खरीद रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा जो इसका गलफड़ा हो गया इस तरह से। जब कबूतर अपने बच्चे को फीड कराता है यहाँ से देखिए, अब गलफड़ा जो इसका है आप उस पर ध्यान डालिए, ठीक है। ये जो चीज है यहाँ जो ये चीज है आप इस पर ध्यान डालिएगा। यहाँ ऐसा होगा कि कबूतर का यहाँ पे हल्का हल्का सा दाग बना होगा और ये जो चोच है वो थोड़ा सा ज्यादा मुंह उसका होगा। अगर जो कबूतर कभी बच्चा नहीं पाला है तो उसका जो ये है चोच है उस तरह से, मतलब कि यहाँ पे एक छोटा सा आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब कि बच्चे को भरा चुका है पहले। तो ये पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरफ चेक करें, देखिए आप क्लोज अप कर देता हूँ। देखिए इसका जो मुंह है थोड़ा खोल के भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप इस तरह से साइड में बना रहेगा। तो व्यूअर्स देखिए, इसने भी बच्चा पाला हुआ है। अगर आप सही से जूम करके दिखा पाऊं मैं आपको, देखिए आप जो इसका गलफड़ा है वो मतलब कि और कबूतर से ज्यादा खुला होगा इसका मुंह, और इसे पता चलेगा कि इसने बच्चे को फीड कराया। तो ये बहुत आसान तरीका है इसका। जब भी आप ये देखिए, यहाँ देखिए नाक के ठीक नीचे यहाँ पे इस जगह पे उसका मतलब हल्का सा दाग बना रहेगा बच्चे को जब फीड कराएगा। तो आप देखिए इस चीज को कबूतर खरीदने से पहले पहचानने का एक नया तरीका। जैसा कि देखिए व्यूअर्स, ये कबूतर कभी भी आज से पहले मतलब बच्चे नहीं पाला है तो इसका आप चोच देख सकते हैं बिल्कुल ही नॉर्मल। तो ये पहचानने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप इसको अपने चोच से पहचान सकते हैं। जो इसका गलफड़ा होगा आप वहाँ चेक करें। जब भी आप कबूतर खरीदने जाए ब्रीडर खास करके, तो आप ये चीज चेक करके ही ब्रीडर कबूतर खरीदे। चलिए तो वीडियो इतने पे एंड करता हूँ, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।